हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रामदाने का राजगीर का हलवा। ये मेरे पास राजगीर है, इसको हमारे यहाँ एमपी में राजगीरा ही बोलते हैं, लेकिन इसको यूपी साइड रामदाना बोलते हैं। ये देखिए, इस तरह से पीले कलर के ये दाने जैसे होते हैं, इसमें कंकड़ होते हैं बहुत बारीक बारीक, तो इसको आप पहले साफ़ कर लें अच्छे से। मैंने इसको धो लिया था और धो के अच्छे से धूप में सुखा लिया है। अब हम इसका हलवा बनाएंगे। और आज एकादशी है, भगवान जी को भोग लगाना है, तो मैंने हर बनाया है राजगीर का हलवा। इसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है, तो खीर बना के रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम ये थोड़ा थोड़ा सा राजगीर जो लेंगे कढ़ाई में, इसको डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। और ये कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने, धुला हुआ साफ़ सुथरा एक कॉटन का कपड़ा लेना है। और इस तरह से हल्के हाथ से दबाते हुए आपको ये सारा राजगीर जो है इसको सेंकना है। और आपको ये फुल फ्लेम पे सेंकना है, क्योंकि कढ़ाई अगर ठंडी होगी तो ये अच्छे से नहीं सेकेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपको फुल फ्लेम रखनी है, और थोड़ी सी आँच भी लगती है हाथ में, तो बहुत ध्यान से सेंकना होता है गर्म कढ़ाई से, कहीं आपका हाथ ना जल जाए, इसलिए बहुत सावधानी से इसको सेंकें धीरे धीरे। और इस तरह से ये देखिए दाने चटकना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से आपको सारा राजगीर भून लेना है अच्छे से, फिर हम इसका हलवा बनाएंगे। अब ये देखिए सब अच्छे से भुन गए हैं, सारे दाने आपको दिख रहे हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे, बहुत तेज़ तेज उड़ता है ये जब भुन जाता है। तो अब बाकी के राजगीर को भी मैं इसी तरह से भून लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही भूने आप, एक साथ सारा ना भूने। ये देखिए बाकी के दाने भी मेरे अच्छे से सिक गए हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। और इसी कढ़ाई में मैंने स्टील के लोटे से एक लोटे पानी और आधी कटोरी के लगभग चीनी डाली है इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़े से इलायची के दाने पीस के डाले हैं, केसर के दाने डाले हैं। अब ये चाशनी अच्छे से बन गई है। अब हम इसमें ये सारा राजगीरा जो हमने भून के रखा हुआ था ये डाल देंगे, और इसको अच्छे से उबलते रहने देंगे, क्योंकि ये जो राजगीर है ये पूरा पानी सोख लेगा, जो भी आपने चाशनी बनाई है ये सब अंदर अपने अब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आप कम पानी डालेंगे तो आपका हलवा टेस्टी नहीं बनेगा, इसलिए पानी आप जितना आपने राजगीरा लिया है उससे दुगना डालें, क्योंकि ये पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। और अभी जब ये अच्छे से हलवा हमारा थोड़ा सा उबलना शुरू होगा, उसके बाद मैं इसमें एक चीज़ डालूंगी जिससे इसका टेस्ट और डबल हो जाएगा। तो ये मैंने दूध डाला है एक कटोरी, दूध डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आता है। पूरा दूध अच्छे से सूख गया है, हलवा धीरे धीरे थिक होना शुरू हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें घी डालेंगे। घी डाल के इसको अच्छे से कढ़ाई घी छोड़ने तक अच्छे से पकाएंगे, और हमारा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए आप इसमें। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, क्योंकि जितने कम लाइक्स होते हैं उससे हमें लगता है हमारी रेसिपी आपको अच्छी नहीं लगी है, और लाइक्स ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा
दिल को सुकून मिलता है कि नहीं चलो हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है लोगों को। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।